हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से आईसीआर नेट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग डेली की तरह यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है लिखे हुए हैं और इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट को वन बाई वन डिस्कस करेंगे, आंसर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए हाइब्रिड डेट कॉन्टेन प्रिसाइज मिक्सचर ऑफ पेरेंटल न्यूक्लियर जीन्स बट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम मैटरनल पेरेंट ओनली इज नोन एज। तो एक हाइब्रिड है जिसमें कि पेरेंटल न्यूक्लियर जीन्स है, मतलब दोनों पेरेंट्स के न्यूक्लियर जीन है, बट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम मैटरनल पेरेंट ओनली। लेकिन साइटोप्लाज्म जो है या फिर साइटोप्लाज्मिक जो जीन्स हैं वो केवल मैटरनल पेरेंट के हैं। एक हाइब्रिड है जिसके पास न्यूक्लियर जीन दोनों पेरेंट्स के हैं, लेकिन साइटोप्लाज्मिक जीन्स जो है केवल एक पेरेंट्स का है, उसको हम क्या कहेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेंगे, आंसर तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया है सोमैटिक हाइब्रिड। सोमैटिक हाइब्रिड क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सोमैटिक हाइब्रिड दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, एक तो सोमैटिक दूसरा हाइब्रिड। जब भी हम सोमैटिक सेल को फ्यूज करके एक हाइब्रिड बनाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, सोमैटिक हाइब्रिड कहेंगे। अच्छा, सोमैटिक हाइब्रिड बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद तो हम लोग इन सभी को चर्चा करेंगे। देखिए जब भी हम हाइब्रिड बनाने की बात करते हैं तो हाइब्रिड में कम से कम दो पेरेंट्स होने चाहिए, P1 और P2। तो हाइब्रिड जनरली हम कैसे बनाएंगे भाई, यहाँ पे हम एक सपोज डेट ये P1 है तो इसको हम एज ए फीमेल ले लेंगे और दूसरे को हम एज ए मेल ले लेंगे। मेल लेने का मतलब ये है कि यहाँ से हम पॉलन जो है निकाल लेंगे और P1 पेरेंट्स की फीमेल की स्टिग्मा पे जो है हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, जिससे इसमें पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और इसके बाद जो है F1 यहाँ पे बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये भाई बाईसेक्सुअल फ्लावर है, फीमेल पेरेंट जिसको हम आज ले रहे हैं, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा, मतलब इसके जो मेल पार्ट है उसको रिमूव करना पड़ेगा और यहाँ से मेल निकाल करके इसके ऊपर हमको डस्टिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम पॉलिनेशन कराएंगे तब जाकर के हाइब्रिड बन पाएगा। अच्छा, जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पॉलन भी हमको मिल जा रहा है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन आराम से हो जा रहा है, चलिए ठीक है, इमैस्कुलेशन कर लिया, वो भी एक टेडियस वर्क है, लेकिन हमने चलिए इमैस्कुलेशन कर लिया, पॉलिनेशन कर लिया, हमको हाइब्रिड मिल गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से जो पॉलन हम ले रहे हैं और यहाँ पे पॉलिनेशन करा रहे हैं, इसमें बहुत सारी डिफिकल्टी आती है। हो सकता है पॉलन हमको सफिशिएंट अमाउंट में ना मिल पाए, या हो सकता है ये जो P1 है इसकी स्टिग्मा जो है रिसेप्टिव ना हो, बहुत सारे फेल्योर जो है हो जाते हैं। या फिर जब हम कहते हैं कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड बनाएं, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड में जो है बहुत सारे जो है प्री एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन बैरियर्स आते हैं, जिसके वजह से जो है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड जो है नहीं बन पाता है। तो कहने का मतलब ये है सेक्सुअल जो हाइब्रिडाइजेशन है, जो क्रॉसिंग है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है और इसमें बहुत सारे बैरियर्स जो है काम करते हैं। अब अगर हम इन सभी बैरियर्स को हटाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि भाई हम सोमैटिक सेल्स को आपस में फ्यूज करा के उनसे हम हाइब्रिड जो है बना सकते हैं। इसके लिए हम जो है मदद लेते हैं PTC की। PTC मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर की, प्लांट टिश्यू कल्चर की। सपोज डैट जैसे हमने कहा कि भाई P1 है और ये P2 है, इसमें क्रॉसिंग मान लीजिए इजिली नहीं हो पा रही है, तो हम इससे क्या करेंगे, हम इससे जो है सेल आइसोलेट कर लेंगे, हम इससे जो है सेल आइसोलेट कर लेंगे, कोशिकाएं जो है इसकी हम क्या करेंगे भाई, निकाल लेंगे। और इन कोशिकाओं से हम क्या करेंगे, जैसे प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होती है, प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल भी होती है, तो हम क्या करेंगे, हम इससे प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर लेंगे, हम जो है इससे क्या करेंगे, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर लेंगे, प्रोटोप्लास्ट। अब आप सोचेंगे कि भाई ये कौन सा शब्द आ गया,
प्रोटोप्लास्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर में कंप्लीट तरीके से जो डिस्कस किए हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर पे पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग पे आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, तो ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं जो है लिंक ऐड कर दूंगा, वहां पर भी आप जो है जा करके देख सकते हैं प्रोटोप्लास्ट होता क्या है। हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब हम प्लांट सेल से सिलवाल को निकाल देते हैं, प्लांट सेल से जब हम सिलवाल को रिमूव कर देते हैं, तो जो सेल हमारे पास बचती है विदाउट सिलवाल, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। प्रोटोप्लास्ट जो टर्म है, ये सबसे पहले हेनस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने जो है 1880 में जो है यूज किया था, 1880 में सबसे पहले जो है हेनस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लास्ट टर्म यूज किया था। तो जब हम प्लांट सेल से क्या करेंगे, सेलवाल को हटा देंगे, तो जो बची हुई सेल बचेगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। सेलवाल हटा क्यों रहे हैं, क्योंकि जब तक सेलवाल रहेगी ना, तब तक जो फ्यूजन है सेल का वो आसानी से नहीं हो पाएगा। जब सेलवाल हट जाएगी तो फ्यूजन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से जब हम सेल को फ्यूज करा देंगे, हमारे पास एक हाइब्रिड बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे क्या, सोमैटिक हाइब्रिड बोलेंगे। इसी हाइब्रिड को हम क्या बोलेंगे, सोमैटिक हाइब्रिड बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सोमैटिक सेल्स हैं उनका फ्यूजन हो रहा है और एक हमको हाइब्रिड मिल रहा है, तो इस तरीके के हाइब्रिड को हम क्या बोलेंगे, सोमैटिक हाइब्रिड बोलेंगे। अभी इसको थोड़ा सा हम और चर्चा करेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। हेनस्टीन जो है सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट का टर्म का यूज किए 1880 में, एक वैज्ञानिक थे क्लेरकर, इन्होंने सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट को जो है 1892 में आइसोलेट किया था मैकेनिकल मेथड से। सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया गया था क्लेरकर के द्वारा मैकेनिकल मेथड से। मैकेनिकल मेथड में क्या होता है, सेल की सबसे पहले जो है हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कर देते हैं। प्लाज्मोलाइसिस मतलब जैसे कि हम किशमिश को जो है एक हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में अगर डाल दें, सॉरी अगर ग्रेप्स को जो है हम हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में जो है डाल दें, तो उससे जो प्लाज्मा है वो बाहर आ जाएगा। मतलब वाटर जब बाहर आएगा तो उससे क्या होगा, प्लाज्मा जो है उसकी लाइसिस हो जाएगी, सिकुड़ हो जाएगी बिल्कुल, और वो किशमिश में परिवर्तित हो जाएगा। जो ग्रेप्स है वो रेजिन या फिर किशमिश में जो है परिवर्तित हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस करा देते हैं सेल की। प्लाज्मोलाइसिस कराने के बाद हम जो है तेज धार वाली ब्लेड से क्या करते थे, उसमें कट लगा देते हैं, जैसे किशमिश में हम कट लगा दें, और कट लगाने के बाद हम उसको जो है फिर से क्या करें, डीप्लाज्मोलाइज करते हैं। डीप्लाज्मोलाइसिस करने का मतलब यह है, उसको हम वाटर में फिर से अगेन जो है डाल दें। जब वाटर में फिर से डाल देंगे तो फिर से जो है वो वाटर को क्या करेगा, इंटेक करेगा, मतलब इंडो ऑस्मोसिस हो जाएगा। पहले एक्सो ऑस्मोसिस हुआ, उसके बाद क्या हो जाएगा, इंडो ऑस्मोसिस। इंडो ऑस्मोसिस से जो वाटर है वो जो है किशमिश के अंदर जाएगा और फिर से वो फूल करके एक तरीके से अंगूर का जो है शेप ले लेगा। और चूंकि हमने जो है कट लगा दिया था तो ऊपर की लेयर उसकी क्या होगी, हट जाएगी। तो उसी मेथड से जो है मैकेनिकल मेथड से क्लेरकर ने सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया था। लेकिन मैकेनिकल मेथड से प्रोटोप्लास्ट की वायबिलिटी बहुत ही कम रह जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंजरी जो है लग जाती है। ईसी कॉकिंग नाम के वैज्ञानिक जो है, ईसी कॉकिंग ने 1960 में एंजाइमेटिक मेथड से जो है प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया। एंजाइमेटिक मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि सेलवाल में क्या होता है भाई, सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है और पेक्टिन होता है, तो इन सबको डिग्रेड करने के लिए सेलुलेज एंजाइम, हेमी सेलुलेज एंजाइम्स और मसेरोजाइम। मसेरोजाइम एक प्रकार का पेक्टिनेज एंजाइम है जो कि पेक्टिन को डिग्रेड कर देता है। तो इस एंजाइम्स का यूज करके जो है केमिकल मेथड में, या फिर हम कह सकते हैं एंजाइमेटिक मेथड से जो है हम क्या करते हैं, प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लेते हैं। और प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करा के हम क्या बना लेते हैं, सोमैटिक हाइब्रिड बना लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है, सोमैटिक हाइब्रिड एक ऐसा हाइब्रिड होता है जो कि सोमैटिक सेल के फ्यूजन के थ्रू बनाया जाता है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बनाया जाता है। अब देखिए, सपोज डेट यहाँ पे हम दो सेल जो है बना लेते हैं, एक सेल हमने जो है ये बना लिया, इसमें ये न्यूक्लियस है और ये इसका जो है साइटोप्लाज्म है, ठीक है, यहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म हो गया। दूसरी सेल हम ये बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए इसका साइटोप्लाज्म हम इस तरीके से बना लेते हैं,
ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, ये P1 की सेल हो गई और ये P2 की सेल हो गई, इसको हमने क्या करा दिया, फ्यूज करा दिया। सपोज डेट फ्यूज किसके उपस्थिति में कराते हैं, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल। पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल जो होता है इनके फ्यूजन में मदद करता है, इसको बोलते हैं फ्यूसोजन, इसको हम बोलते हैं फ्यूसोजन। पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल को हम बोलते हैं फ्यूसोजन, ठीक है। तो ये प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन में सहायक होता है, हेल्प करता है। तो ये हो गया पेज की जो है प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, फ्यूजन करा लेंगे। जब फ्यूजन कराएंगे तो यहाँ पे देखिए दो कंडीशन हो सकती है, ये देखिए क्या है, प्रोटोप्लास्ट है, क्या है, प्रोटोप्लास्ट है, ये भी प्रोटोप्लास्ट और ये भी प्रोटोप्लास्ट। यहाँ दो कंडीशन हो सकती हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है कि इन दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाए, इन दोनों के न्यूक्लियस आपस में क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, तो इस तरीके से एक न्यूक्लियस बन जाए और साइटोप्लाज्म तो आपस में फ्यूज हो ही जाएगा, साइटोप्लाज्म तो आपस में फ्यूज हो ही जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि जहां पे न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गया और साइटोप्लाज्म भी फ्यूज हो गए, तो ये जो हाइब्रिड बनेगा ये कंप्लीट हाइब्रिड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी फ्यूज हो गया है और न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गया है। अच्छा, एक कंडीशन ये हो सकती है कि इनके न्यूक्लियस हो सकता फ्यूज ना हो और साइटोप्लाज्म जो है फ्यूज हो जाए और दो सेल बन जाए, यहाँ पे दो सेल बन सकती हैं, हो सकता है इनका जो है साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो जाए लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज ना हो, तो ये एक न्यूक्लियस बन गया, साइटोप्लाज्म जो है इस तरीके से सपोज डेट फ्यूज हो गया और ये दो सेल बन गई। तो ये जो सेल हाइब्रिड सेल बनी है इनमें क्या है, साइटोप्लाज्म दोनों कोशिकाओं का है, इन दोनों पेरेंट्स का है, लेकिन न्यूक्लियस केवल जो है एक पेरेंट्स का है। तो ऐसी हाइब्रिड को हम क्या बोलेंगे, साइब्रिड बोलेंगे। ऐसे हाइब्रिड को हम क्या बोलेंगे, साइब्रिड बोलेंगे या फिर साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड बोलेंगे या फिर हम इसको साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड बोलेंगे। क्यों साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिड की कंडीशन में कौन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस जो है हाइब्रिड की कंडीशन में नहीं है, तो ऐसे हाइब्रिड को हम बोलेंगे साइब्रिड या फिर साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। तो कोई भी ऐसा हाइब्रिड जिसपे साइटोप्लाज्म तो दो पेरेंट्स का होगा लेकिन न्यूक्लियस केवल एक पेरेंट का होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, साइब्रिड बोलेंगे या फिर साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड बोलेंगे। तो देखिए जितनी भी साइब्रिड होती हैं ये एक प्रकार से सोमैटिक हाइब्रिड ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, सोमैटिक सेल्स का फ्यूजन हो रहा है, तो इनको भी हम सोमैटिक हाइब्रिड बोलेंगे। लेकिन सभी सोमैटिक हाइब्रिड जो होंगे वो साइब्रिड नहीं होंगे, क्योंकि ये जो है यहाँ पे क्या है, ये कंप्लीट हाइब्रिड है, यहाँ पे न्यूक्लियस भी फ्यूज हुआ है और साइटोप्लाज्म भी फ्यूज हुआ है, तो ये कंप्लीट हाइब्रिड को हम साइब्रिड नहीं बोलेंगे। तो जितने भी साइब्रिड होंगे वो सोमैटिक हाइब्रिड ही होंगे, लेकिन सभी सोमैटिक हाइब्रिड जो है साइब्रिड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा कि साइब्रिड क्या होता है। तो देखिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया भी है साइब्रिड। तो साइब्रिड में जैसा कि हमने आपको बताया, साइटोप्लाज्म तो दो पेरेंट्स का होगा लेकिन न्यूक्लियस जो है केवल एक पेरेंट्स का होगा, जबकि यहाँ पे इसका जस्ट जो है अपोजिट दिया हुआ है कि न्यूक्लियस दो पेरेंट्स का है लेकिन साइटोप्लाज्म जो है केवल मैटरनल पेरेंट का है। तो ये दोनों ऑप्शन देखिए यहाँ पे गलत हो जाएंगे, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। अब देखिए एक चीज यहाँ पे और जान लीजिए कि साइब्रिड जो हम ये बना रहे हैं, हम दो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करके साइब्रिड बना रहे हैं। सपोज डेट हम दो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन नहीं कराना चाह रहे हैं, हम केवल जो है न्यूक्लियस चाह रहे हैं कि एक ही पेरेंट का 100% श्योर चाह रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है एक ही पेरेंट का रहे और साइटोप्लाज्म जो है दोनों पेरेंट्स के रहें। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम ये करेंगे कि यहाँ पे जैसे P1 है, P1 के हम न्यूक्लियस को क्या करेंगे, न्यूक्लियस को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। इसके न्यूक्लियस को जब हम रिमूव कर देंगे, मतलब प्रोटोप्लास्ट से जो है न्यूक्लियस को रिमूव कर देंगे, तो एक सेल बनेगी जिसमें जो है साइटोप्लाज्म तो होगा, साइटोप्लाज्मिक जीन होंगे लेकिन न्यूक्लियस नहीं होगा। ऐसी सेल को हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लास्ट बोलेंगे। ऐसी सेल को हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लास्ट बोलेंगे। तो सेल विदाउट सेल वॉल प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट विदाउट न्यूक्लियस
साइटोप्लास्ट, और इस साइटोप्लास्ट का जब हम प्रोटोप्लास्ट से फ्यूजन करा देंगे, इस प्रोटोप्लास्ट से जब हम फ्यूजन करा देंगे तो जो हाइब्रिड बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, साइब्रिड बोलेंगे। क्योंकि इस हाइब्रिड में क्या होगा, साइटोप्लाज्म तो दोनों सेल का होगा लेकिन न्यूक्लियस जो है केवल एक सेल का होगा, तो ऐसे हाइब्रिड को हम क्या बोलेंगे, साइब्रिड बोलेंगे, फिर साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड बोलेंगे। तो साइब्रिड क्या होता है, सोमेटिक हाइब्रिड क्या होता है, इसको आपने डिटेल में समझ लिया। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए दिया हुआ है सेक्सुअल हाइब्रिड, ठीक है। तो सेक्सुअल हाइब्रिड में क्या होता है, सेक्सुअल हाइब्रिड जो नॉर्मल हम हाइब्रिड की बात करते हैं, दो पेरेंट्स के बीच में हमने क्रॉस किया और एक जो हाइब्रिड हमको मिल गया। दो पेरेंट्स कैसे होने चाहिए, जेनेटिकली डिफरेंट होने चाहिए। जैसे हम कहते हैं एक टाल प्लांट और दूसरा जो है ड्वार्फ प्लांट, तो जब हम जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं तो हमको जो एक प्रोजनी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल हाइब्रिड बोलते हैं। क्योंकि इसमें हमने जो है पॉलिनेशन के थ्रू, फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो है हाइब्रिड क्रिएट किया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल हाइब्रिड बोलेंगे। अब सेक्सुअल हाइब्रिड में होता क्या है कि यहाँ पे जैसा कि आपको पता है जो न्यूक्लियर जीन होते हैं ये दोनों पेरेंट से आते हैं, न्यूक्लियर जीन जो होते हैं ये दोनों पेरेंट से आते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म जो होता है वो हमेशा मैटरनल प्लांट से आता है या फिर मैटरनल पेरेंट से ही आता है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए हम इनको माइक्रो गैमेटोफाइट बोलते हैं, और जो फीमेल सेक्सुअल यूनिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेगा गैमेटोफाइट बोलते हैं, वो बड़ा होता है। तो उससे क्या होता है कि साइटोप्लाज्म भी आता है और न्यूक्लियस भी आता है, जबकि जो मेल होता है, जो मेल गैमेट होते हैं उसमें केवल और केवल न्यूक्लियस जो है होता है और उससे न्यूक्लियस ही आता है। मतलब न्यूक्लियर जीन जो है मेल से भी आएंगे और फीमेल से भी आएंगे, जबकि साइटोप्लाज्मिक जीन जो होंगे वो केवल और केवल फीमेल से आएंगे। तो सेक्सुअल हाइब्रिड में जो यूजुअली हम लोग जो हाइब्रिड बनाते हैं उसमें जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, मिक्सचर ऑफ न्यूक्लियर जीन बट साइटोप्लाज्म फ्रॉम मैटरनल पेरेंट ओनली, तो सेक्सुअल हाइब्रिड यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है दोनों पेरेंट्स का आता है लेकिन साइटोप्लाज्म जो होता है ये केवल और केवल जो है किसका आएगा, फीमेल का आएगा। तो इस तरीके के हाइब्रिड को हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल हाइब्रिड बोलेंगे। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वाइब्रिड। वाइब्रिड क्या होता है, वाइब्रिड एक थोड़ा सा डिफरेंट टर्म है। वाइब्रिड जैसे हम जो एपोमिक्सिस, आपको पता होगा एपोमिक्सिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो जो एपोमिक्सिस होता है ये दो तरीके का होता है, एक तो ऑब्लिगेट होता है और दूसरा फैकल्टेटिव होता है। एक तो ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस और दूसरा फैकल्टेटिव। इस पे भी वीडियो जो डिटेल में बना हुआ है, कितने तरीके का एपोमिक्सिस होता है, क्या क्या मैकेनिज्म होता है, इसका भी जो है डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप लोग देख सकते हैं पूरा डिटेल में जो है इसके ऊपर, करीब करीब 35-40 मिनट का वीडियो है, तो उसमें सारी चीज़ें जो है एपोमिक्सिस के बारे में बताई गई हैं। तो फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस, फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस में क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एपोमिक्सिस के साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जबकि ऑब्लिगेट में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस जिन स्पीसीज में होगा उनको हम क्या बोलेंगे, फैकल्टेटिव एपोमिक्टिक स्पीसीज, फैकल्टेटिव एपोमिक्टिक स्पीसीज। तो फैकल्टेटिव एपोमिक्टिक स्पीसीज जब दो जो है फैकल्टेटिव एपोमिक्टिक स्पीसीज के बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे और उससे जो F1 आएगा उसको हम क्या कहेंगे, वाइब्रिड कहेंगे। मतलब ए हाइब्रिड ऑब्टेंड थ्रू क्रॉसिंग बिटवीन फैकल्टेटिव एपोमिक्टिक स्पीसीज इज वाइब्रिड। तो ये भी जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा, आंसर आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार अगेन मैं आपको बता देता हूँ, सोमेटिक हाइब्रिड क्या होता है, एक ऐसा हाइब्रिड जो कि सोमेटिक सेल्स में फ्यूजन के थ्रू बनाया जाएगा उसको हम सोमेटिक हाइब्रिड बोलेंगे। सोमेटिक हाइब्रिड कंप्लीट हाइब्रिड हो सकता है और साइब्रिड हो सकता है। कंप्लीट हाइब्रिड में क्या होगा कि दो दोनों सेल हैं
उन दोनों सेल का न्यूक्लियस भी फ्यूज होगा और साइटोप्लाज्म भी फ्यूज होगा, जबकि साइब्रिड या फिर साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड में केवल साइटोप्लाज्म जो है दोनों सेल्स का आएगा, जबकि न्यूक्लियस जो है केवल एक सेल का आएगा। सेक्सुअल हाइब्रिड में क्या होता है, ये जो नॉर्मली हम जो हाइब्रिडेशन करते हैं इसमें हम जो है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के थ्रू हाइब्रिड बनाते हैं, इसमें हम दो या दो से अधिक जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स के बीच में क्रॉसिंग कराते हैं, क्रॉसिंग के थ्रू हम एक हमको एक जो है हेट्रोजाइगस, हमको एक हेट्रोजाइगस जो है प्रोजिनी मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं सेक्सुअल हाइब्रिड बोलते हैं, इस कंडीशन में मिलती है हमको, है नहीं? तो ये हमेशा हेट्रोजाइगस होता है लेकिन होमोजिनस होता है, मतलब जितने भी पेरेंट्स होंगे वो क्या होंगे एक समान होंगे, तो हेट्रोजाइगस एंड होमोजिनस हमको जो है प्रोजेनी मिलेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे सेक्सुअल हाइब्रिड बोलेंगे। और सेक्सुअल हाइब्रिड में जो है दोनों पेरेंट्स के न्यूक्लियर जीन्स आते हैं, जबकि मैटरनल जीन्स जो होते हैं वो केवल और केवल फीमेल पेरेंट्स से आते हैं, ठीक है। वाइब्रिड क्या होता है, वाइब्रिड इज ए हाइब्रिड ऑब्टेंड थ्रू क्रॉसिंग बिटवीन टू फैकल्टेटिव एपोमिक्टिक स्पीसीज, ठीक है। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच।